मोदी जी आप शर्म करो, मोदी जी की सरासर गुंडागर्दी है, इसको उन्हें बंद कर देना चाहिए। मणिपुर में हथियार कहाँ से आए, कौन लाया हथियार इतना ज्यादा? मोदी जी जो कहते हैं उसका होता है उसका सब कुछ उल्टा है। प्रधानमंत्री जी, देश की आधी आबादी आपको माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी खुद देश की महिलाओं के सुरक्षा के जिम्मेदार है। वो विकास की बात करते हैं, विनाश हो रहा है, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। बीजेपी वाले यही करेंगे, सिर्फ लोग दंगाई हैं, सारे गुंडे पार्टी हैं, ये लोग दंगा करने जानते हैं। गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी आप मेरे पीछे तमाम भीड़ देख पा रहे होंगे, बैरिगेटिंग जो है वहां पर लोग चढ़े हुए हैं और लांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्ट प्रदर्शन जो है वो मणिपुर हिंसा को लेकर बिठाई गई थी, महिला कांग्रेस के द्वारा की गई थी, जो कि जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चल रहा है। और ये लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, का यहाँ पर तमाम महिलाओं की जो है वो बेहद संख्या में आई हुई हैं, क्योंकि जो मणिपुर महिला हिंसा में जो महिलाओं की जो दो वीडियो वायरल किया जा रहा है, एक जिसमें दो महिलाओं को पूरी तरह से नग्न करके उनके साथ बदसलूकी करते हुए जो वीडियो देखा जा रहा है, उसी के विरोध प्रदर्शन में जो है ये पूरा भीड़ उमड़ा हुआ है। और लगातार आप देख पा रहे होंगे कैसे लोग नारे लगाए जा रहे हैं। मैडम साफ साफ दिख रहा है आपको, यह अत्याचार है, मोदी जी की सरासर गुंडागर्दी है, इसको उन्हें बंद कर देना चाहिए, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मोदी जी आप शर्म करो, मोदी की सरकार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित सरकार है, क्या कहेंगे आप? बहुत बेकार सरकार। और ये जो हो रहा है वो आप सब देख लीजिए, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक मणिपुर के प्रधानमंत्री जी अपना रिजोल्यूशन नहीं दे। लेकिन मैम, मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री का बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोला गया है कि वो माँ बेटियों की। प्रधानमंत्री जी खुद देश के महिलाओं के सुरक्षा के जिम्मेदार है। मैम पानी, औरों पे थोपना बंद करे, वो वक्त है कि उनको खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उठानी चाहिए कि ये जो हादसा हुआ मणिपुर में ये उनके कारण हुआ है। उन्होंने मणिपुर पे माँ बोलने के बारे में दो महीने से पहले सारे विपक्षी दल गुहार लगा रहे थे, पर प्रधानमंत्री जी ने अपना चुप्पी नहीं तोड़ा, जिसके चलते आज हम ये देख सकते हैं। बैठ जाओ, सब दूर दूर बैठ जाओ। मैडम पानी ले लो, हमें पानी नहीं चाहिए। मैम, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बोला है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? वो अपनी बेटी पे जब बात आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकली, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है? पानी देना मैम को। ऐसे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर तो देश पे काला धब्बा है। मैम, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? क्या मांगे करे सरकार से? गुंगी बैरी सरकार, अगर ये सरकार सही में देश हित में सोचता है, लोगों के हित में सोचता है, ये तो ये सरकार तुरंत ये पद से सारे पद को मोह त्याग करके अपना फर्ज महिलाओं के प्रति 50% बहनों के प्रति निभाएंगे। फिर पता चलेगा कि उनके जो झूमले हैं, जो उनके जो सारे स्लोगन्स हैं, ये ना सिर्फ एक चुनावी झूमला है पर सच्चाई में वो उसे निभा भी सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो है वो अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और महिलाओं की जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है वो सच में निंदनीय है, और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर तमाम लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन में एकत्रित हुए हैं। गुनहगार तो वही है, क्योंकि इतने महीने तक वो चुप रहे इस बात पे। अगर प्रधानमंत्री जी स्मृति ईरानी जी तभी अपने चुप्पी तोड़ते तो आज ये घटना नहीं होती। इस घटने का जितना जिम्मेदार ये घटने को अंजाम देने वाले लोग हैं, उतना ही जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी और इनका पूरा मंत्रिमंडल है। आप जो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना पे? भगवान न करे अगर यह हादसा
बोलना नहीं चाहती है वो शब्द, तो फिर क्या वो ऐसे ही चुप रहती है? वक्त आ चुका है, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही बहुत एक्टिंग कर दिया करा, अब करके दिखाओ, क्योंकि स्मृति ईरानी भी कभी विपक्ष में होते हुए 2014 से पहले महिलाओं की आवाज़ पे बात करती थी, महंगाई पे बात करती थी, महिला उत्पीड़न पे बात करती थी। अब वो स्मृति ईरानी सत्ता में बैठ गई है, तो वो जो सत्ता को चाट रही है। आखिर प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर में चुप्पी तोड़ी। ये चुप्पी तोड़ना नहीं होता है बहन। नहीं, जिस तरीके से विपक्ष हर हमेशा कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे कब चुप्पी तोड़ेंगे, वो अब आज बोल दिए। 78 दिनों के बाद उनको याद आता है कि मणिपुर पे चुप्पी तोड़नी चाहिए, और जिस बेशर्मी के साथ उसने चुप्पी तोड़ी है। पहले उन्होंने सारे बाकी चीज़ें के बारे में बोला, और बाद में मणिपुर का इश्यू उठाया। आधी आबादी बाद में आती है, पहले उनके बाकी सारे मुद्दे थे। प्रधानमंत्री जी, देश की आधी आबादी आपको माफ़ नहीं करेगी। आज आपकी माँ भी वहाँ पे ऊपर होगी, जो देख रही होगी कि अपने बाप, उसके औलाद, उसका बेटा चुप था जब ऐसे बेटियों को नंगा परेड किया जा रहा था। आपकी माँ की आत्मा को आप तेज फौरात पहुँचा रहे प्रधानमंत्री जी। मैम, प्रधानमंत्री ने आज एड्रेस भी किया है, नेता मैम आज प्रधानमंत्री ने एड्रेस भी किया, उन्होंने बोला कि जिन्होंने किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और देश की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है। वो भी जिम्मेदार है, जितने जिम्मेदार और लोग हैं उतनी ही जिम्मेदार वो भी है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लोगों में आक्रोश है और दुख भी चेहरे पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं जो है, पूरी महिलाओं की जो जत्था उमड़ा हुआ है। गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। एक टाइम था जब गांधी जी को उनके आधी धोती में उनको गोलियां मारी गई थी, छलनी की गई थी। आज वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, और लड़कियां इस देश की आबरू हैं, इज्जत हैं, आज उनको नंगा किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, अपने आज बौखलाहट इस बात है, क्योंकि इनको डर है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है तो इनका क्या होगा, क्योंकि इतने घोटाले, इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी, इतना सारे ये 9 साल 10 सालों में कर चुके हैं ना, कि इनका बचना मुश्किल है। तो अभी जो इनकी बौखलाहट है, ये उसके लिए ये हर स्तर पर उतर जाएंगे, कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ेंगे जिसमें इनको। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा है कि ये दिल दुखने वाला तस्वीर। स्मृति ईरानी को याद तब था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब वो 400 रुपये के सिलेंडर पे सड़कों में लौटती थी, अभी 1200 का सिलेंडर हो गया, चुप हो गए। ठीक है, जनता वो भी वो एक औरत है, कम से कम सत्ता में उनकी सरकार है, एक औरत के होने की वजह से वो सड़क पे तो आए, उनकी बीजेपी की औरतें सड़क पे आए कि ये क्या हो रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं स्मृति ईरानी मणिपुर में जा रही हैं, क्यों नहीं बीजेपी की सारी जो नेता है केवल पद पर बैठी हुई हैं, खाली सत्ता में बैठ के नोटें गिन रही हैं। आज उनके पास कोई परेशानी नहीं दिख रही, आज उनको कोई कमी नहीं दिख रही, सारी कमी उनको केवल कांग्रेस में दिखाई दे रही थी। ये देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, बर्बादी के मोड़ पर खड़ा हुआ है। अब यही एक बचा था कि लड़कियों को सरेआम नंगे घुमाया जाए, वो भी शुरू हो गया है, मणिपुर शुरू हो गया है, बाकी यही है। रैलियों में लगातार मोदी जी कहते हैं महिलाओं पर सबसे ज्यादा काम किया है, महिलाओं को सुरक्षित किया है उन्होंने ही। खास बात यह है कि मोदी जी जो कहते हैं उसका होता है, उसका सब कुछ उल्टा है। वो विकास की बात करते हैं, विनाश हो रहा है, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, किसी के पास 2 टाइम खाने का रोटी नहीं है। बीजेपी का जो गृह मंत्री है उनका बेटा दुबई में 185,000 करोड़ का रुपये का बंगला खरीदता है, और यहाँ पे 2 टाइम का रोटी खरीदने का किसी के पास औकात नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन में और टीवी में, न्यूज़पेपरों में बस मोदी जी के विकास ही दिख रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं, धरातल पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर है, परेशान है। सबका साथ सबका विकास, केवल अपने मित्रों का विकास, अपना विकास, और किसी का विकास नहीं। यहाँ पे सब लोग परेशान हैं, सब आप जाके घरों घरों में देखिए, कितने घरों में कि चूल्हा नहीं जलता है, कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग की सैलरी नौकरी छूट गई, कितने लोग आत्महत्या कर लिए, ये सब विकास नहीं है, सब विनाश है। और जब ये बीजेपी सरकार सत्ता में आती है अपना यही रूप दिखाती है, जब जब कांग्रेस अपना 10 साल 20 साल देश को आगे बढ़ाती है, तब ये
बीजेपी सरकार सत्ता में आती है और देश को बदहाल करके चली जाती है। अभी मोदी सरकार की बौखलाहट यह है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आ गई तो इनके जितने घोटाले हैं, जितने इनकी मतलब जनता के पास बदहालियाँ हैं, जितना सब कुछ इन्होंने दुराचार व्यवहार कर रखा है, उस सबका पोल खुलेगा तो ये कहाँ जाएंगे। अभी इनकी बौखलाहट, अभी जो दो चार महीने की इनकी सरकार बची है उसमें बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है ये परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, उनके पास तो 38 पार्टियां हैं। अगर ये परिवारवाद ही है तो उनके पास तो 38, वो क्यों 38 पार्टियों को लेकर, मतलब एक अगर इधर कांग्रेस की मीटिंग हो रही तो उधर उनका भी मीटिंग हो गया, क्यों यहाँ 26 लोग आए तो वहाँ पे 38 लोग क्यों आ गए? वो वहाँ परिवारवाद नहीं है कि अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, सब सब तो लगे हुए हैं, किसके यहाँ परिवारवाद नहीं है? ये गांधी परिवार को केवल बदनाम करने का और वो करने का तरीका और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, ये किसके पास परिवार नहीं? आपके पास परिवार नहीं? आपके पास परिवार नहीं है? किसके मोदी के कितने रिश्तेदार जो हैं वो मैं तो यही सुनती हूँ कि इनके 8-10 भाई हैं, सब अब बिल्कुल सब अरबपति करोड़पति, गुजरात के जितने कारखाने हैं सब उनके सबके चेयरमैन बन गए हैं सारे उनके भाई, 100 पता नहीं कितना हजारों करोड़ के उनके मोदी जी का बंगला है गुजरात में। जो जाता है ना सारा देश हो जाता है, जितना घूमने के लिए गया हुआ है अपना देश का पैसा उठा उठा करके, हम लोग को नंगा कर दिया, पूरा बेचारे बच्चों को नंगा कर दिया, पढ़ने के लिए 4-4 लाख 5-5 लाख सरकारी कॉलेज में तो एडमिशन है ही नहीं, प्राइवेट कॉलेज का इतना फीस कर दे कि बच्चे पढ़े ही नहीं। अब सरकारी स्कूल के भी ऊपर लगा दिया पैसे ताकि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाए, मतलब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे होंगे तो बोलने का मुंह होगा। 21 साल में दारू पिलाने बोल दिया केजरीवाल को, केजरीवाल भी उसी का ही है, दारू पिला बच्चे 30 साल होते होते फेफड़ा खराब, लीवर खराब, बच्चे पालेगा कि बीवी पालेगा वो? नहीं, पहले तो माँ बाप मारते थे, पुलिस डंडा मारती थी कि बच्चे क्यों पीते हो तुम लोग, अब आप कोई नहीं बोल सकता, बच्चे लड़ेंगे बोलेंगे, माँ बाप बोलते हैं हमको तो सरकार बोल रही है पीने के लिए। मणिपुर हिंसा को लिए आए हैं आप, उसका विरोध करने, सुनिए तो पहले सवाल सुन लीजिए, तो क्या आप सच में उसका विरोध करने ही आए हैं कि आप भी राजनीति करने आए? सुनो राजनीति कोई राजनीतिक नहीं है, उनके 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 टाइम में गोधराकांड, बीजेपी के टाइम में गोधराकांड, उनके टाइम में अयोध्या कांड, उनके टाइम में क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर कांड, उनके टाइम में मणिपुर कांड, सब कुछ इनके टाइम में ही कांड हो रहे हैं। ये लोग क्या चाइना को देने चाह रहे हैं क्या? ये जमीन हथियार कहाँ से आए इनके राज्य में? चाइना उतना मणिपुर में हथियार कहाँ से आए? कौन लाया हथियार इतना ज्यादा जो बच्चों को ला कर? वहाँ तो फेस भी चाइना का ही है, मणिपुर वालों का भी वही चेहरा है, पता ही नहीं चलेगा कौन चाइना का है कौन मणिपुर का है कौन कहाँ का है। इन लोग ही लेके आए मणिपुर में इन लोगों को, ताकि मणिपुर चाइना को दे, कितना देश चाइना को दे दिया, कितने देश चाइना को दे दिया, 12-18 शहर बचा दिया चाइना को, कहाँ है? बोलते कोई नहीं आया। ईवीएम मशीन लाता है चाइना से बना के हैकिंग वाला, तभी वो उसको वादा कर रखा होगा ना जरूर कि हम तुमको ये जगह दे देंगे वो जगह दे देंगे। सीमा हैदर को दिखा रही है जो पाकिस्तान से महिला आई है लेकिन मणिपुर को नहीं दिखा रही है। मेरी बात सुनो, ये लोगों को तो खाली हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू जैसे ये लोग ही लड़ाई किए थे देश को, यही लोग बचाए थे, मुसलमान नहीं होता तो आज देश आजाद नहीं होता, पंजाबी नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता, तुम लोग ने देश आजाद किया है, तुम लोग तो चट्टू पट्टू थे उनके, तुम्हारे तो पैसे मिल रहे थे अंग्रेजों से ज्यादा पैसे मिल रहे थे, वो लोग देश आजाद के यहाँ पे आकर के। बड़ा सवाल उठता है, आरएसएस 1919 में जन्म ले चुकी थी आरएसएस। सवाल सुनिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है जिस तरीके से मणिपुर में चर्चों को जराया जा रहा है, घरों को जराया जा रहा है, आदिवासियों को घर से, ये बीजेपी वाले यही करेंगे, सिर्फ ये लोग दंगाई है, सारे गुंडे पार्टी है, ये लोग दंगा करने जानते हैं, और जो कुछ बोल दिया कोई तो उनको जेल, उनको अंदर, चाहे उनको बर्बाद कर देंगे। मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है, फिर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? बीजेपी की सरकार तो है, इसीलिए तो मैं बोल रही दंगाइयों की सरकार है, ये दंगा कराती है और बोल देती कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस में सब सुलझे हुए नेता है, पढ़े लिखे नेता है, वो लोग तो 4 गाली देते ना तब भी कांग्रेस गाली नहीं देती है, वो तो अगर 1 गाली दे दिया ना तो उसके ऊपर एक्शन। साफ तौर पर आप देख पा रहेंगे कि कैसे यहाँ पर जो मणिपुर हिंसा को लेकर है महिलाओं में बेहद आक्रोश है, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है वो निकम्मी सरकार है, केंद्र में भी है और मणिपुर में भी जो है बीजेपी की ही सरकार है, फिर भी ऐसी जो निंदनीय घटना सामने आ रही है, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, इस पर एक बहुत ही सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, सिर्फ ट्वीट और राजनीति से काम नहीं चलेगा।
और लोगों में ये जो है आक्रोश, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों में जो है आक्रोश बढ़ता जाएगा, ये कम होने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि जो जिस तरह से महिलाओं की वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह का ये कृत्य किया गया है वो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन बॉबी के साथ ब्यूटी ग्रीस जनहित आवाज़।